आज मैं आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने वाला हूँ विच विल हेल्प यू नॉट ओनली इन योर इन्वेस्टमेंट्स बट ऑल्सो मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन योर लाइफ। तो हुआ क्या, एक आदमी अपना बॉडी से खुश नहीं था। वो लग रहा था क्या मोटा हो गया है, मुझे तो एकदम ऐसा बॉडी चाहिए, ऐसा फिजिक चाहिए जो दिखने में अच्छा लगे, लोग देख के बोले कि हाँ सही है, दिखने में अच्छा लग रहा है। तो काफ़ी स्पोर्ट्स वो देखा कि भाई कौन सा स्पोर्ट्स खेलो, क्योंकि स्पोर्ट्स खेलने का उसको शौक था। तो काफ़ी जगह देखा, फिर देखा कि स्विमर्स जो है उनका फिजिक बहुत ही सही है, एकदम वेरी स्ट्रीमलाइन बॉडीज एंड दे लुक वेरी नाइस। तो सोचा चलो अपना स्विमिंग ही लेते हैं। तो स्विमिंग लिया, पर देखा कि यार जो स्विमर्स है उनका जिस तरह से बॉडी उतना उस हिसाब से बॉडी उसका बन ही नहीं रहा, आखिर बात क्या है। पता लगा कि स्विमर जो थे उनका बॉडी वॉज नॉट बिकॉज ऑफ द स्विमिंग, उनका इतना अच्छा फिजिक वॉज नॉट बिकॉज ऑफ द स्विमिंग, इनफैक्ट बिकॉज ऑफ द फिजिक, बिकॉज ऑफ द स्ट्रीमलाइन बॉडीज दे वर सिलेक्टेड फॉर द स्पोर्ट्स, दैट इज वाई दे वर गुड स्विमर्स। इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट फिजिक, बिकॉज ऑफ द नेचुरल फिजिक दे वर गुड स्विमर्स। तो यहाँ उसको समझ में आ गया कि नहीं ऐसा बात नहीं है। तो वो और सोचा, फिर पता लगा कि कॉस्मेटिक्स में भी क्या होता है, जब अपने ऐड देखते हैं वगैरह तो उसमें भी क्या होता है कि देखते इतना ब्यूटीफुल फेसेस तो लगता है भाई ये सब मेकअप अपने भी लगाए तो अपने भी इतना सुंदर हो जाएंगे, पर ये भूल जाते कि मेकअप के कारण वो मॉडल सुंदर नहीं हो रहे, बट दे सिलेक्टेड फॉर दिस कॉस्मेटिक कंपनीज बिकॉज दे इनहेरेंटली ब्यूटीफुल, वो लोग नेचुरली ब्यूटीफुल है, इसलिए मेकअप करके वो लोग और थोड़ा ज्यादा सुंदर लगते, बट डजेंट मीन कि हम लोग भी उतना ही सुंदर लगे, बिकॉज नेचुरली इफ यू नॉट ब्यूटीफुल देन नथिंग कैन मेक अस एज ब्यूटीफुल एज देम। तो ये अपने को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा अपना सिलेक्शन इस बेसिस पे होता है विच इज रॉन्ग। अब यही एक आदमी सेंट गैलन स्विट्जरलैंड में पढ़ने गया, बहुत नामी स्कूल, वन ऑफ द टॉप स्कूल्स। तो देखा कि कोर्स क्या काफी मेडिकल था, ऐसा बात नहीं था, पर स्टूडेंट्स वहां से जो निकल के आ रहे थे वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अच्छे अच्छे कंपनीज में उनको जॉब मिल रहा था। वेल उसको समझ में आया इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ द स्कूल कि स्टूडेंट्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बाद में भी मे बी द सिलेक्शन प्रोसेस इतना रिग्रेस था, इस कारण से अच्छे स्टूडेंट्स स्कूल में आ रहे थे, और जिस कारण से सिर्फ अच्छे स्टूडेंट्स आ रहे थे तो बाहर प्रोडक्ट्स पे अच्छा निकल के आ रहा था, इसलिए लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो इसमें आप ध्यान में रखिए, इवन हार्वर्ड स्कूल, एमबीए स्कूल, इवन टॉप एमबीए स्कूल से आप कोई भी बिजनेस कोर्स ले लो, या वॉट एवर स्ट्रीम यू गो टू, वेदर इंजीनियरिंग और वॉट एवर, इट इज नॉट नेसेसरी स्कूल का नाम बहुत है तो वहाँ का पढ़ाई भी उतना ही अच्छा होगा, जरूरी नहीं है। सेकेंड थिंग, बहुत से स्कूल्स अपने प्रचार करते हैं, दिखाते हैं कि देखो भाई हमारे स्कूल से आप निकलो कि तो आपको ये पैकेज मिलेगा, 50 लाख का, 1 करोड़ का, या 25 लाख का एनुअल पैकेज एंड ऑल दिस एंड ऑल दैट। वेल मिलता जरूर है, पर किनको, सबको नहीं, सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स को मिलता है जो अच्छे, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बाकी सबको नहीं मिलता है। वो लोग तो बस ये दिखाते हैं ना हम लोग का सबसे हाईएस्ट पैकेज 1 CR का रहा या 50 लाख का रहा, वो रहा, बट एवरेज आप देखोगे तो कोई खास नहीं होता, और एवरेज अच्छा हो भी तो दैट इज नॉट इन हैंड, उसमें भी काफी आपका कुछ कटौती हो जाता है, तो इन हैंड खास कुछ मिलता नहीं है। तो ये भी आप ध्यान में रखिए, जरूरी नहीं कि एमबीए स्कूल में जो हम लोग प्रचार करें वैसा हो, देन यू गोइंग टू बी वेरी डिसहार्टेंड। तो आप सोच रखें वो जरूरी नहीं वो वैसा हो, तो आपके जो अपना जो एक्सपेक्टेशन है उसको भी इतना हाई मत रखें, बिकॉज देन यू गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड। सो मेक श्योर दैट द एक्सपेक्टेशन ऑल्सो अलाइन विद द मार्केट। अब जैसे होता क्या है, बहुत से लोग आप देखते हो खुश मिजाज के होते हैं, लोग जनरली बहुत खुश होते हैं और कुछ भी काम करते हैं अच्छा कर लेते हैं, या दे जनरली हैप्पी। नो इट इज नॉट नेसेसरी सर्कमस्टांसेस जो लोग जिस तरह से एक्ट करते हैं इट ऑलवेज मेक्स देम हैप्पी, सम पीपल आर इनहेरेंटली बॉर्न हैप्पी, वो लोग हर चीज में खुश देखते हैं, दे ऑलवेज सी द ग्लास हाफ फुल रादर देन हाफ एम्प्टी, इस कारण से दे ऑलवेज रिमेन हैप्पी। डजंट मीन यू कैन नॉट रिमेन हैप्पी, यस यू जस्ट हैव टू स्ट्राइव लिटिल हार्डर, यू हैव टू अक्वायर दैट हैबिट ऑफ रिमेनिंग हैप्पी इफ यू नॉट नेचुरली हैप्पी। आपको लगता है ये कैसे हो सकता है हमेशा खुश रहता है, एंड एक्चुअली वो लोग खुश रहते हैं, वो लोग दिखावा नहीं करते। बहुत बार क्या होता है ना कि अपने को लगता है कि अपने भी उस पोजिशन तक पहुंचे, कभी कभी यू नो नेचुरली कुछ लोगों को गिफ्ट होता है एंड दे डू इट, बट डोंट बी डिसहार्टन बिकॉज अक्वायर कर सकते हैं, हार्डवर्क चाहिए बट अक्वायर जरूर किया जा सकता है। इसलिए यहाँ इन्वेस्टिंग लाइन में भी अपने को ये देखना चाहिए, अपने देखते हैं राकेश झुंझुनवाला इतना पैसा कमा लिया, ये उतना कमा लिया, राकेश दमानी ये सब, पर कहना कि देखिए इनमें कुछ स्पेशल बात है। अब राकेश झुंझुनवाला इज अमेजिंग इन्वेस्टर, मतलब इतना लॉन्ग टर्म थिंकिंग बहुत कम लोग कर सकते हैं, जहाँ शेयर प्राइस गिरते रहे तभी भी ही हेल्ड ऑन टू द स्टॉक्स एंड 10-10 साल तक वो स्टॉक्स को लेके रखते, हाँ एवरी टाइम ही कीप्स इवैल्यूएटिंग इट, तभी भी वो लेके रखते, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। बहुत बार तो लोग स्टॉक लेके भूल जाते हैं, लगता है इतना बढ़ गया, दैट्स देखिए लक है, जरूरी नहीं हर स्टॉक बढ़े, पर ये कि इवैल्यूएट करते रहते हैं एंड स्टिल ही स्टैंड्स इवन व्हेन द स्टॉक इनफैक्ट डिप्रिशिएट्स बाय 50% आल्सो, स्टिल ही स्टैंड्स विद लॉट ऑफ स्टॉक्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा सब नहीं कर सकते, इट्स नॉट सो इजी, लाइक वॉरेन बफेट आल्सो अमेजिंग टेम्परमेंट। देखिए ये सब कुछ स्पेशल लोग है, अब अपने सोचेंगे भी अपने भी वैसे रिटर्न्स लाए। देखिए अगर आपकी स्पेशलिटी, अगर आपका टेम्परमेंट वैसा है तब आप भी अचीव कर सकते हो, ऐसे नहीं आप नहीं कर सकते हो। पर देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी शुड बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स, देखिए अपने को अपने अपने को सबसे अच्छी तरह जानते हैं, तो वी हैव टू लुक एट आवरसेल्व्स इन द मिरर
एंड एक्चुअली अंडरस्टैंड कि हो वी आर, कैसे अपना टेम्परमेंट है, कैसे अपना थिंकिंग है, वेदर वी कैन अचीव दोज रिटर्न्स, इज इट पॉसिबल, वॉट काइंड ऑफ हार्डवर्क वी हैव टू डू. सो देर लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व इन इट. इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, अभी देखिए पिछला साल जो मार्केट गया, इट हैज बीन अमेजिंग, लाइक ऑलमोस्ट 1.3x मार्केट ग्रो किया द निफ्टी. सो इट डजंट मीन कि ये ऐसा ग्रो करते रहेगा, कुछ हद तक ग्रो करेगा पर हिकअप्स भी आएंगे, हो सकता है इससे नीचे गिर भी जाए. तो एक्सपेक्टेशंस आप अपना अलाइन रखिए मार्केट से, ये मत सोचे कि पिछला साल रिटर्न मिले तो अगले साल भी रिटर्न मिलेगा, हो सकता है उसका 50% भी नहीं मिले, 25% भी नहीं मिले, हो सकता है नेगेटिव रिटर्न भी मिले. तो ओवरऑल पिक्चर आपको देखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म में मेरे कैसे रिटर्न्स आ रहे हैं. कहीं भी आप इन्वेस्ट करो या लाइफ में कोई भी डिसीजन लो, प्रैक्टिकली लीजिए भाई, इसमें क्या प्रोज है, इसमें क्या कॉन्स है. अब देखिए एक आदमी एमबीए करने के यूएस में, उसका लगा 2 करोड़. अब जब मैं उसका सुन रहा था तो वो बोल रहा था कि उसका 2 CR उसको रिकवर करने में कई साल लग जाएंगे, मे बी 7-8 साल लग जाएगा, बिकॉज लिविंग एक्सपेंस ऑल्सो वेरी हाई इन यूएस. तो देखिए ठीक है, उनको सैलरी अच्छा मिलेगा कंपेयर टू इंडिया, पर लिविंग एक्सपेंस इतना हाई है तो सेविंग्स इतना नहीं होगा, क्योंकि 2 CR तो लगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चढ़ते रहेगा ना, ये भी ध्यान में रखिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत लोग ये नहीं समझते, चलो 2 CR मतलब मैं रिकवर कर लूंगा. भाई 2 CR जितना साल में आपको रिकवर करने में लग रहा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चढ़ते जा रहा है, तो उसको भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. एक्सपेक्टेशन अपना नॉर्मल रखे, उसमें क्या यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड. और अगर आप कम भी रखते हो ना, उससे अच्छा आप परफॉर्म करते हो, तो यू विल बी हैप्पी. वेरी इंपॉर्टेंट कि वही स्टॉक मार्केट में भी आप अपने एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न रीजनेबल रखिए, डोंट मेक इट वेरी हाई, अदरवाइज मोस्ट प्रॉब्ली विल बी डिसअपॉइंटेड. तो आज के लिए इतना ही, होप आपको अच्छा लगा आज का सेशन. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. टेक केयर.